एक नया चीज सुनने को आ रहा है कि मशीन तो कोई ना कोई भेज दे रहा है, जिसके पास मशीन है वो तो भेज दे रहा है, लेकिन इंस्टॉलेशन का टाइम जो है ना वो मेरा वीडियो भेज दे रहा है कि इनका वीडियो देख लो, आप इंस्टॉलेशन कर लो। तो वही एक सेम केस है, अभी हम लोग जा रहे हैं उनके पास जिसके पास मशीन आया है। तो उन्होंने तो मशीन तो कहाँ से लेके आ गए, जाके पता चलेगा कहाँ से मशीन लेके आए। क्या कहाँ से लेके आए थे बोल रहे थे कि याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमसे तो मशीन नहीं लिया है, दूसरा किसी से लेके तो मशीन आ गया है। तो उसके पास ना इंस्टॉलेशन के लिए कोई नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उनको मेरा वीडियो का लिंक व्हाट्सएप में सेंड कर दिया कि इनका वीडियो, ये वाला वीडियो देख लो, आप इंस्टॉलेशन कर लोगे। तो उन्होंने क्या किया, वीडियो देख के कोशिश भी किए हैं इंस्टॉलेशन करने के, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना कि मेरा जो मशीन का मॉडल है, हम लोग जिस मॉडल का ऊपर काम करते हैं और उनके पास जो मॉडल आया हुआ है, हालांकि हमने वो मॉडल देख चुके हैं, तो उनके पास जो मॉडल आ चुका है, तो वो मॉडल और मेरा मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से तो उन्होंने नहीं कर पा रहे थे। तो जिसका वजह से उन्होंने क्या किया, वीडियो देख करके मेरा नंबर मैनेज किया, उसके बाद हमको फ़ोन करके तो हमको बुलाए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं उनके पास वो मशीन इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो जा कर के सारा कुछ जो है ना वो समझने आएगा हमको। एक्चुअल में पता भी नहीं है उन्होंने मशीन कहाँ से लिया है, क्या नाम बोल रहे थे, हमको याद भी नहीं आ रहा वो नाम। आई थिंक हमने फर्स्ट टाइम सुने हैं वो जहाँ से मशीन लेके आए हैं, ऐसा कुछ नाम बोल रहे थे, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उससे हमें मतलब भी नहीं है कोई कहाँ से लेके आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो आपको प्रॉब्लम है, आपको हेल्प चाहिए, आपको कहीं से आपको हेल्प नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। हमें वो मतलब नहीं है आपकी, आप कहाँ से मशीन लेके आ गए, क्या किए नहीं किए, कितना में लेके आए, हमको ये भी पता नहीं है। चलते हैं उनके पास, जा करके पता करेंगे कितना क्या पड़ता है मशीन उनके पास, या क्या कंडीशन में क्या मशीन है नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। बस व्हाट्सएप ने दो चार फोटो सेंड किए हैं, वही देख के जा रहा है उनके पास। इतना कॉन्फिडेंस तो है, कोई भी मशीन जो है ना पेपर प्लेट बनाने वाला है, कोई भी मशीन, तो हम उसको रनिंग कराने का कैपेसिटी तो है मेरे पास, तो इतना कॉन्फिडेंस है। तो इसका वजह से हम लोग अभी जा रहे हैं, तो उनको हो गया आज एक महीने का आसपास उनके पास मशीन आ गया था, तो एक महीने से मशीन बिना इंस्टॉलेशन किए मशीन घर में रखा हुआ है, फ़ोन कर करके परेशान तो है। बाकी मेरा वीडियो देख करके कुछ ट्राई भी किए थे, थोड़ा बहुत हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर नॉलेज रहता ना उनको। एक्चुअली ना कंपनी ने क्या किया ना, पूरा मशीन खोल के दे दिया उनको, पूरा ए टू जेड कनेक्शन जो है ना पूरा खोल के दिया है, तो जिसका वजह से उन्होंने उनको समझने नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या करना है। हम लोग जो मशीन देते हैं, हमारे पास से जो मशीन जाता है, क्वांटाई पेपर प्लेट से जो मशीन जाता है, वो मशीन हम लोग क्या है ना 95% मशीन पूरा फिटिंग्स करके देते हैं। यहाँ पर हम लोग टेस्ट करते हैं, चलाते हैं, ये भी पता नहीं कि उनको टेस्ट मशीन जो दिए हैं वो मशीन टेस्ट करके दिए हैं या ऐसे ही मतलब थमा दिया है, या कि हमको परेशानी है पढ़ना पड़ेगा, कुछ आइडिया नहीं है, सब कुछ जाके ही पता चलेगा। तो बात ये है ना, हम लोग जो मशीन देते थे ना, हम लोग जिसको मशीन भी देते हैं अभी भी, तो वो मशीन 100% हम लोग अपना सिक्योर करते हैं, अपना 100% कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मशीन पूरा सही है, तब जाकर हम लोग डिलीवरी करते हैं। और डिलीवरी भी जो करते हैं ना, वो 95% मशीन जो है ना पूरा फिटिंग्स हुआ रहता है, मशीन इस टाइप से हम लोग उसको बनाते हैं, इस टाइप से डिज़ाइन करते हैं, ताकि कस्टमर को ना कोई दिक्कत ना हो, इंस्टॉलेशन के लिए कोई परेशानी ना हो ज़्यादा दूर भी, जैसे कि यहाँ से हम लोग जो मशीन भेजते हैं आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, बहुत बहुत दूर मशीन जाता है, वेस्ट बंगाल के बाहर मशीन हम लोग भेजते हैं, तो उन लोगों ने ना पूरा वीडियो देख करके ही मशीन इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, बाकी एक बार फ़ोन करके बता दें कि भाई देख लो एक बार मशीन इंस्टॉलेशन सही है या नहीं, बस इस तरह से हमें पता चल जाता है। तो देखिए ये जो मशीन का जो फिटिंग्स का जो बात है, ये एकदम ईजी है, लेकिन हम लोग अभी जिस मशीन में जा रहे हैं, जो मशीन में काम करने के लिए जा रहे हैं, वो मशीन का इंस्टॉलेशन का, हालांकि अगर थोड़ा सा भी इसको फिटिंग्स किया हुआ रहता ना, ये मशीन इंस्टॉल कम्प्लीट हो जाता, वो कस्टमर ही खुद कर लेता। उनको हम अगर फ़ोन में भी समझाएंगे, हम देखो जिस तरह से उनका है ना पूरा ए टू जेड कनेक्शन खुला हुआ है, तो ये फ़ोन में समझाना भी मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो जाएगा प्रॉब्लम, तो वो हमको तो दोष देगा ना,
हमको बताएगा कि ये कुछ आता नहीं है, उल्टा पुल्टा बता दिया, ये हो गया। तो यहाँ पर जहाँ जो सिचुएशन जहाँ पर जो खड़े हैं यहाँ पर, वो सिचुएशन हमको खुद जा कर के देखना पड़ेगा, खुद जा कर के फिटिंग्स करके एक बार तो फर्स्ट टाइम कम से कम उसको रनिंग करके हमको दिखाना पड़ेगा, बाकी तो बाद में पता चल जाएगा उनको, लेकिन फर्स्ट टाइम उनको दिखाना पड़ेगा। अगर कंपनी उसको थोड़ा बहुत भी फिटिंग्स करके देता ना, जैसे कि पावर पैक का कनेक्शन ये वो थोड़ा बहुत भी फिटिंग्स करके देता ना, तो वो मशीन रनिंग हो जाता, वो वीडियो कॉल के थ्रू या फ़ोन में भी रन करा देते हम। लेकिन यहाँ पर 1% मतलब फिटिंग्स नहीं है, सब कुछ अलग अलग करके रखा है, जिसके वजह से हमको जाना पड़ रहा है। तो अभी चलते हैं, आप इंजॉय करिए, जाके मिलते हैं वहाँ पर मशीन के पास, वहाँ पर मुलाकात करते हैं आपसे। আপনি ফোন করেছিলেন নাকি? আসেন। কদিন হলো মেশিন নিয়েছি? এখানে কারেন্ট এসেছিল না, কারেন্ট করছি। আমার প্ল্যান ছিল অন্যরকম, টেরেক্স বানানো ছিল। আচ্ছা, এই বিষয়ে সাইন করলো না কেন? মাল নিবে বলেছিল আমার কাছে, মানে যেটা ম্যানিফেস্ট করবে। আচ্ছা, এগ্রিমেন্ট করে সাইন করলো না, করতে চেঞ্জ করে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনি যা তৈরি করবেন সব নিয়ে নেবে বলছিল নাকি? জুতো পরে চলে যাই? কারেন্টের কাজ হবে তো, এখন জুতো পরতেই হবে। আচ্ছা, এটা তাহলে পড়ে গেছে কোথাও মনে হয়। এটা তো আপনার ডাই, কাটিং ডাই। এটাইতে আপনি কাজ কিভাবে করবেন? এটা রোল লাগিয়ে কাজ হবে বললো তো, এমনি ইয়েতে লাগাচ্ছি দেখতে পাবেন, আপনি নিজে বুঝতে পারবেন। এটা রোলের জন্য এটা অ্যাকচুয়ালি এই ডাইটা হচ্ছে তোমার ইয়ের জন্য, রোল চালানোর জন্য, সার্কেলের জন্য আলাদা ডাই আছে। ঠিক আছে, তা আমার প্যানেল বক্সে দেখি না, কালকে খুলেছিলাম, মাথায় কিছু দিতে মোটর, এটা ট্যাঙ্কি কত ছোট করে দিয়েছে মেশিনটা তোমার ঘুরবে। এ কানেকশনটা কে করেছে, আপনারা করেছেন? এরকম ছিল তো, আমরা কিছু জুড়ি নিয়ে আসলে এইটা খালি, এই তারটা খালি ঢুকিয়েছে। কোন তারটা? এই তারটা খালি ঢুকিয়ে, এই তারটা খালি আর কিছু আমরা কিছু আর দিই, এই যে তারটা এটা আমরা ঢুকিয়েছি। এটা এখানে কি লাগিয়ে বলে লাগাতে বলেছিল? বলেছিল এখানে। হ্যাঁ, দিয়ে বলেছিল, ভিডিও কলে বুঝতে পারিনি হয়তো, এখানে কোথায় কি হবে দেখো। তোমার একটা থ্রি পিন একটা টপ নিয়ে আসো, আর তো তার আছে, আর কিছু লাগবে না। তার বলতে এই কোন তার আছে? এটা না, এটা হবে। ওটা কত এমএম এর তার আছে? এটা 1.5 না, 2.5 মিনিমাম, 2.5 এমএম এর তার নিয়ে আসো। তাহলে কি কি আন্তর্জাতিক বলে দাও, দোকান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।